और खबर सुल्तानपुर से, विधायक मन्नू अंसारी के सरकारी गनर राकेश पर हमला हुआ है। चलती ट्रेन में चाकू से हमला किया गया, गनर की कारबाइन छीनकर फरार हो गए। बदमाश घायल गनर राकेश कुमार लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त भर्ती हैं। बड़ी खबर आपको सुल्तानपुर से बताते चले, जहां चलती ट्रेन में चाकू से हमला किया गया है। विधायक मन्नू अंसारी के सरकारी गनर राकेश पर हमला किया गया, चलती ट्रेन में चाकू से हमला किया गया। और देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई है। फिलहाल अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कार्बाइन छीनकर आरोपी फरार हो गए हैं। घायल गनर राकेश कुमार को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल एडमिट कराया गया है। और मऊ में मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से विधायक है मन्नू अंसारी और गनर ने हमला किया। चाकू से गंभीर रूप से हमला करने के बाद वो घायल हो गए और गनर की कार्बाइन हमलावर छीन कर फरार हो गए। और गनर पर चलती ट्रेन में हमला किया गया और गंभीर घायल गनर राकेश को लखनऊ जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और जानकारी के मुताबिक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भतीजे और मोहम्मदाबाद विधानसभा से विधायक मन्नू अंसारी के 25 साल गनर राकेश कुमार श्रमजीवी एक्सप्रेस से सुल्तानपुर से होते हुए गाजीपुर जा रहे थे और इसी दौरान शाम 5 बजे के करीब बदमाशों ने चलती ट्रेन में गनर के साथ मारपीट शुरू कर दी और राकेश ने अपना बचाव करने की कोशिश की। तभी बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और उसके पेट और हाथ और छाती पर कई बार तेज धार चाकू से मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। फिलहाल इस घटना के सामने आने के बाद अफरा तफरी का माहौल है और विधायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज किया जा रहा है और पुलिस भी इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात महोबा की, जहां बेखौफ दबंगों की दबंगई देखने को मिली। 3 बाइक और 1 अन्य कार को जोरदार टक्कर मार दी गई और हादसे में 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बताते चले आपको, मौके पर पहुंची कोबरा पुलिस ने भी अभद्रता की है और पुलिसकर्मी की राइफल छीनने की कोशिश की गई और कैमरे में कैद हुई है शराबी दबंगों की करतूत। तो देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई है महोबा से, जहां पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने पहुंची तो पुलिस के साथ भी बदमाशों ने अभद्रता करने की कोशिश की, राइफल छीनने की कोशिश की और 3 बाइक और 1 अन्य कार को बदमाशों ने टक्कर मार दी और इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और कैमरे में कैद हुई है शराबी दबंगों की करतूत। पुलिस ने सभी को पकड़ लिया है और इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और खबर जालौन से, जहां चलती बाइक बनी आग का गोला और बाइक सवार ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से बाइक जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। तो जालौन से खबर, जहां चलती बाइक आग का गोला बन गई और बाइक सवार ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आग लगने से बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई और राहगीरों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी स्टैंड की यह घटना बताई जा रही है। तो किस वजह से बाइक में आग लगी है इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि किस तरह से बीच सड़क पर एक बाइक आग का गोला बन गई और बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, इस पूरे मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी स्टैंड की यह घटना बताई जा रही है। जालौन से देखिए यह तस्वीर, जहां किस तरह से चलती बाइक आग का गोला बन गई, बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और खबर बांदा से, महिला अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही से नवजात की जान चली गई। रिश्वत नहीं देने पर इलाज में लापरवाही बताया जा रहा है पूरा मामला और अस्पताल स्टाफ पर 1500 रूपये मांगने का आरोप लग रहा है। तो बांदा से यह खबर, जहां महिला अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही की वजह से नवजात की जान चली गई है और रिश्वत नहीं देने पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं परिजन। अस्पताल स्टाफ पर 1500 रूपये मांगने का आरोप लग रहा है। सीएमएस ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। कि हमारे संज्ञान में ये प्रकरण आया है, मैं रात में भी वहाँ घटना स्थल पे एसएनसीयू में गई थी, लेकिन अभी हमें जांच में ऐसा कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम अभी जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा, चाहे डॉक्टर या स्टाफ, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
बरेली में तीन बच्चों की डूबने से जान चली गई। तालाब में मछली पकड़ने गए थे तीनों बच्चे और बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। तो बड़ी खबर आपको बरेली से बताते चले, जहां तीन बच्चों की डूबने से जान चली गई है और इस खबर के सामने आने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि तालाब में मछली पकड़ने तीनों बच्चे गए थे और देखिये तस्वीरें निकलकर तीन मासूम की सामने आई है। बच्चों की मौत के बाद परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और भोजीपुरा के मिलक अली नगर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें देखिए, इस पूरे मामले की जांच करते हुए पुलिस नजर आ रही है। बरेली में तालाब में डूबकर तीन बच्चों की मौत हो गई और तीनों नहाने के लिए तालाब में गए थे। इस दौरान गहरे पानी में डूब गए। परिजनों ने तीनों बच्चों को बाहर निकाल लिया और इसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे और यहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। और घटना जिले के भोजीपुरा इलाके के मिलक अली नगर गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे दोस्त थे और वे तालाब में मछली पकड़ने और नहाने गए थे और इसी बीच हादसे के शिकार हो गए और हादसे की सूचना मिलने पर एसडीएम और सीओ गांव पहुंचे, परिजनों को आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया है।